आपका एक बार फिर स्वागत है। यकीन मानिए, सफर तो तय हो गया लेकिन कल आपसे मुलाकात जरूर नहीं हो पाई मेरी, लेकिन आज मैं मौजूद हूं अपने उस जगह पे जहां से दिल्ली के बाद मैं शो सबसे ज्यादा करता हूं, लखनऊ में, और लालबाग के शर्मा टी स्टॉल पे मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। मुस्कुराहट की सब आप जरूर पूछना चाहते होंगे, लेकिन खतरा नहीं टला है, मुझे मालूम है खतरा अभी भी बहुत है और दूर रह के ही बात की जा सकती है और मास्क पहन के और वो दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन हाँ कलकत्ता की तरफ ये सफर चलता है और पहुंचेगा एक दो दिन के बाद, हम आपसे वहां पे मुखातिब होंगे, बातचीत का सिलसिला मैं आपसे बंगाल में जोड़ूंगा, उसी तरह चुनाव होंगे, उसी तरह से चुनाव के कवरेज की तरह मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा। एक लंबा सफर है इस बार कोलकाता में और बंगाल में, लगभग 2-2.5 महीने मैं आपके साथ वहीं से बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा, लेकिन अभी आज मैं लखनऊ में मौजूद हूं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मेहमान हमारे साथ, पाजी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, हमारे साथ पूरी टीम मौजूद और हमारे मेहमान यहां पे जो है उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन आज का जो बातचीत का जो सबब है, जो आज यहां पर हम मौजूद हैं उस पर क्या बातचीत होगी, वो ये कि आईटी के कुछ रेड हुई, रेड तो पहले भी होती है लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बात दरअसल ये है कि 2 दिन से रेड चल रही है अनुराग कश्यप और उनके ऑफिस में, और उसके बाद फिल्मी हस्तियां उनके घर में भी आईटी रेड हुई। अब सवाल यह है कि इसके बाद मुहावरेबाजी शुरू हुई, मुहावरों में बातचीत शुरू हुई, राहुल गांधी का एक ट्वीट, हम उस पर बात करेंगे, पहले उसकी तरफ मुखातिब होंगे, मेहमानों से हम तारुफ कराएंगे, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। हाँ जी, हमारे प्रोग्राम में जो लोग होते हैं वो जनता होती है, लेकिन आज जनता दूर से ही दिखाऊंगा, मैं बातचीत की कोशिश नहीं करूंगा, उसका कारण ये है कि अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन हाँ सबसे पहले बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, फिर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। टैक्स चोरी केस में आयकर विभाग का छापा, दूसरे दिन भी कई फिल्मी हस्तियों के ठिकानों पर छापा, अनुराग कश्यप तापसी पन्नू के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन, आयकर विभाग के छापे पर सियासी बयानबाजी शुरू, लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार ये कभी भी नहीं हुआ जो आज मोदी सरकार देश में कर रही है। जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, प्रोड्यूसर मधु मंटेना, डायरेक्टर विकास बहल, सबके सब हिंदी फिल्मों से जुड़े बड़े चेहरे, लेकिन बुधवार को इन हस्तियों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम के ताबड़तोड़ छापे से जो हलचल शुरू हुई वो दूसरे दिन भी जारी है। नई सुबह आयकर विभाग की टीम एक बार फिर इन हस्तियों के ठिकानों पर जांच के लिए पहुंच गई। इसी की एक तस्वीर मुंबई में पौ फटते ही दिखी, जब प्रोड्यूसर मधु मंटेना के दफ्तर के बाहर आयकर विभाग के अधिकारियों की गाड़ी की लाइन नजर आई। अंधेरी इलाके की इसी बिल्डिंग में मंटेना की क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है, जहां आयकर विभाग के 8 अधिकारी 20 घंटे की छापेमारी के बाद भी डटे रहे। क्वान वही कंपनी है जो फिल्मी दुनिया की कई हस्तियों का पीआर देखती है। इन छापों को सियासी दलों ने राजनीति से प्रेरित बताने में देर नहीं की, हालांकि सरकार ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। जो सरकार की खिलाफत करता है उसके खिलाफ ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, उसको लगा दिया जाता है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि सरकार की बात का खिलाफ करना तो ना तो वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, ना उसके आपत्तिजनक है, बल्कि उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार अपने ताकतों का, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए इस तरह की कार्रवाई कर रही है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हद हो गई, जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियाँ को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में मसला जाता है।
लेकिन क्वान इकलौती कंपनी नहीं जो आयकर विभाग के निशाने पर है। आयकर विभाग के रडार पर इस वक्त 4 कंपनियां हैं। ये कंपनियां तब आयकर विभाग के निशाने पर आईं जब फिल्मों से जुड़े लोगों की टैक्स चोरी को लेकर जांच शुरू हुई। ऐसा हुआ तो टैक्स चोरी के आरोप में फैंटम फिल्म्स पर शक गहराया, जिसकी बुनियाद अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना और विकास बहल ने मिलकर की थी। यही कंपनी फिल्म प्रोडक्शन के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती थी। हालांकि साल 2018 में विकास बहल पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद ये कंपनी खत्म हो गई और चारों पार्टनर अलग हो गए और इनकी नई कंपनियों पर आयकर विभाग की नजर इस वक्त फैंटम फिल्म्स के साथ ही अनुराग कश्यप की गुड बैड फिल्म्स, विक्रम मोटवानी की आंदोलन फिल्म्स, मधु मंटेना की कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और तापसी पन्नू का काम देखने वाली KRI टैलेंट मैनेजमेंट की जांच के लिए दूसरे दिन भी आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। अब तक की छापेमारी और अनुराग कश्यप के साथ ही तापसी पन्नू से पूछताछ के बाद आयकर विभाग ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। बताया गया कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने तापसी पन्नू का लैपटॉप जब्त कर लिया। यही नहीं, अनुराग कश्यप का भी लैपटॉप जब्त कर लिया गया। दोनों के सभी मोबाइल फोन भी आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिए। छापेमारी करने वाली टीम ने कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कब्जे में लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान की जाँच की जाएगी। आयकर विभाग ने अब तक की जांच के बाद कुछ कंपनियों के बैंक खाते भी सील किए हैं। आयकर विभाग का शिकंजा धीरे धीरे कसने लगा है, लेकिन इसी मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। तो यही से आज का सवाल शुरू होता है। बात दरअसल ये हुई कि मुहावरे और मुहावरों के ऊपर मुहावरे, राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के जो मेहमान मौजूद हैं उनसे तारुफ करा दें। बातचीत के लिए वो तमाम सारे लोग भी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोशिश ये मेरी रहेगी कि बहुत दूर से जो भी बातचीत हो सके वो कर सके। कहाँ से हैं साहब? लखनऊ से। लखनऊ से? बड़ी सुस्ती में दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, सुस्ती में एकदम फिट हूँ। ये जो चला गया ना कोरोना का समय, उसे बड़ा सुस्ती ला दी है सब में। कोरोना ने अच्छे अच्छे लोगों को सुस्ती ला दी। अच्छे अच्छों के ला दिया। मेरे अंदर भी बड़ी सुस्ती आ गई है। हाँ, मेरे अंदर भी बड़ी। छोटे से लेकर बड़े को सबको उखाड़ कर फेंका। अच्छा, बड़े से लेके छोटों से? अच्छा, मुझे छोटों से नहीं, बड़े किसको उखाड़ा ये बताओ जरा पहले। ये बात है। तमाम सारे लोग मेहमान मौजूद, उनसे मैं तारुफ करा दूं मेहमानों का। प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब सिद्दीकी साहब। हरीश श्रीवास्तव जी भाजपा का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक अपने शहर में हमारे साथ मौजूद, थैंक यू सो मच। IP सिंह साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी का, हाँ जी आजकल तो टोपी पर भी बड़ी चर्चा है यहाँ पे, वो भी मौजूद है।